जय हिंद दोस्तों। सीआईएसएफ फायरमैन का अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो फाइनली आप सभी का डॉक्यूमेंटेशन का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आप सभी अभी यहां पे अपने डॉक्यूमेंटेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो बने रहना इस वीडियो में ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर आपको लॉग इन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। जिस लिंक पर आप सभी क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक किए थे उसी लिंक पर, देखिए यहाँ पे उसी लिंक पर जब आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट, मतलब रिजल्ट भी आप सभी अपना दे सकते हो और एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन उसी जगह पर आ चुका है। चलिए मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर एक नोटिस भी जारी किया गया है, नोटिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो बने रहने से वीडियो में, ताकि नोटिस पहले मैं आपको दिखा दूं कि नोटिस में ऐसा क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सभी अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चले देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं इस पर क्या करूँगा क्लिक कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप सभी सामने यहाँ पर एक दिखा रहा है रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेबल फायर 2021। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बताया गया है कि आप सभी का एडमिट कार्ड जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी कर दिया गया है और साफ साफ बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही आप सभी को डीवी के लिए बुलाया गया है। ध्यान दीजिएगा 35%, जिसमें कि जर्नल ईडब्ल्यूएस और ESM के जो बच्चे थे वो यहाँ पे 35% पर बुला लिए गए हैं और 33% पर SC ST OBC के बच्चे बुलाए गए हैं। और साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि 14 नवंबर 2023 से उसके बाद 25 नवंबर 2023 तक आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है, वो भी 11 सेंटरों पर आप सभी का डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है और एडमिट कार्ड आप सभी का जारी कर दिया गया है। आप सभी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद द कैंडिडेट आर एडवाइज, मतलब आपको एडवाइज दे रहा है कि टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड। मतलब जिस प्रकार से आप अपना रिजल्ट चेक किए थे उसी तरीके से आप सभी अपना एडमिट कार्ड भी यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। चले मैं चलते हैं डायरेक्ट एडमिट कार्ड पर, वहीं से मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराता हूं कैसे आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैं यहां पर आ चुका हूं। अभी करना क्या है आप सभी को, ध्यान से देखिएगा, आप सभी इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप सभी इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने यहां पर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, यहां पर आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, यहां पर अपना पासवर्ड देना है, इस कैप्चा को आपको यहां पर लिख देना है, फिर आपको यहां पर लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं इसको कर लेता हूं जल्दी से। दोस्तों जैसे ही आप सभी लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस टाइप का एडमिट कार्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टेबल फायर 2021 इन CISF। ठीक है, मतलब यहाँ पर एडमिट कार्ड आप सभी का जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कुछ बताया गया है, ये आप सभी का सेंटर है और इस बच्चे का 25 नवंबर 2023 यानी लास्ट दिन इस बच्चे का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। साफ साफ बोला गया है कि 13 PM पर इन सब इनको रिपोर्ट करना है सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जानकारी पूरा दिया गया है कि क्या क्या आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर हम बात करें मेरे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही आपको यहाँ पर लेकर जाना है, बाकी कुछ लेकर खास जाना नहीं है। यहां पर आप सभी को एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है जो कि आपके सामने दिख रहा है, यही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। साथ ही द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आप सभी 10वीं 12वीं का मार्कशीट भी आपको लेकर जाना है और यहाँ पर बोला गया है कि विथ साइंस सब्जेक्ट, मतलब 12वीं में आप सभी का साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे कंपलसरी है, चाहे आप मैथ से हो चाहे बायो से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपका यहाँ पे 12वीं में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको लेकर जाना है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम कैंडिडेट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन, मतलब रिपोर्टिंग टाइम पर ही आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहुंचना है। और साथ ही देखिए यहाँ पर बताया गया है मेरे दोस्त, यहाँ पर 4 कलर पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लेकर जाना है और साथ में आप सभी के पास एक ID प्रूफ होना चाहिए, चाहे आप सभी का वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी हो, एनी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और भी चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर जाना है जो कि बताया गया है साफ साफ कि योर कैंडिडेट प्रोफेशनल, मतलब यहाँ पे आप सभी को एक
अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। मतलब अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये होता है कि SC ST OBC को कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, बाकी EWS को यहाँ पे अपना EWS का सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद बात करें मेरे दोस्त यहाँ पर, आप सभी को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना, जिसे बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यह भी आपको यहाँ पर ले जाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। फाइनली आप सभी का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है, आप सभी सामने यहाँ पर एडमिट कार्ड आप सभी देख रहे होंगे। तो आप सभी फटाफट जाकर CISF की ऑफिशियल साइट से अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और आप सभी जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आइए। बाकी जो कुछ होगा मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करता रहूंगा। और चलिए अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।